कसम से ओयो पे इतना गुस्सा आया, ओयो ऐप मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हम लोग गुड़गांव से निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए और मुरथल पहुंच चुके हैं। भूख बहुत ज़ोरों से लगी है तो हमने डिसाइड किया कि पराठे खाने तो बनते हैं, तो हम सुखदेव पर रुके हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसा है सुखदेव। देखिए मुरथल के पराठे आ चुके हैं और हम लोग इस टाइम सुखदेव में बैठे हैं। पहले पराठे ख़त्म करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों हमने पराठे खा लिए और अब हम निकलते हैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। होटल बुक कर दिया है तो चलिए चलते हैं पेट पूजा के बाद। भीड़ बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा भरा हुआ है सुखदेव, पूरा भरा हुआ है। और अभी हमने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं बाहर। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, यू कैन सी दैट। अब सुखदेव से निकल चुके हैं और अपनी जर्नी चंडीगढ़ के लिए फिर से स्टार्ट कर दी है। मुरथल आए हैं और पराठे ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। स्पेशली जो दिल्ली और हरियाणा वाले हैं ना, वो मुरथल के बारे में ज़रूर जानते हो कि मुरथल के पराठे कितने फेमस हैं। क्यों? बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेमस है। और पिछली बार हम गरम गरम पे रुके थे, इस बार हम रुके थे सुखदेव पे, क्योंकि पिछली बार सुखदेव का टेस्ट नहीं किया था हमने। अगर ऑनेस्टली रिव्यू किया जाए तो गरम धर्म के पराठे ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे सुखदेव से। और रेट तो लगभग सेम ही है दोनों की, और सर्विस भी गरम धर्म की अलग ही स्लो है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी देर वेट करना पड़ा था। लगभग 30 से 40 मिनट मेरे को हम लोगों को वेट करना पड़ा था सीट के लिए, लेकिन यहाँ पे इजली सीट अवेलेबल हो गई थी। स्पेस इनके पास भी अच्छा खासा है, दोनों होटल्स के पास बहुत अच्छा खासा स्पेस है। रश काफ़ी रहती है, बट वीकेंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जी अब हो रहा है 8:21 और अब हम अंबाला क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं
जी, हरियाणा अम्बाला आपका स्वागत करता है। अभी गूगल आंटी बता रही हैं कि हमें एक घंटा लगेगा चंडीगढ़ पहुंचने में, तो ऑन द वे हैं। रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला। रात का समय है तो ट्रैफिक थोड़ा कम रहा, स्पेशली ट्रक्स नहीं मिले ना। ट्रक का ट्रैफिक काफ़ी कम था जिसकी वजह से थोड़ा आराम से आ गए। रास्ते में रुकते रुकाते आए हैं आराम से। आप रास्तों का आनंद लो, आपसे होटल में पहुंच के बात होती है। होटल में चेक इन कर लिया है। बहुत ही क्या कहें, इंतज़ार के बाद फाइनली हम लोग ने होटल में चेक इन कर लिया है। बड़ा बड़ा मैटर हुआ, बड़ी गुस्सा आई स्पेशली मेरे हस्बैंड जी को। कसम से ओयो पे इतना गुस्सा आया, ओयो ऐप मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। बहुत घटिया सर्विस है, घटिया लोकेशंस होती हैं इनके होटल्स की, और मतलब कोई सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी गंदी लोकेशंस रहती हैं, आप फैमिली के साथ स्टे नहीं कर सकते, इतनी गंदी लोकेशंस हैं यार, क्या करेंगे ऐसी जगहों पे तो स्टे करना ही नहीं है। बहुत देर, एक घंटे तक इन्होंने वो उन्हें परेशान किया, कैंसिल किया। फिर मैडम वो जो कॉल कर रही थी वो सॉरी बोलती रही, उसको मैंने बहुत सारा सुनाई चीज़ें, लेकिन उसको यार गाली भी तो नहीं दे सकते आप। इसीलिए वो लेडीज़ से फ़ोन कराते हैं, लड़कियों से कॉल कराते हैं, क्या करें। चलो कोई नहीं, फाइनली होटल चेंज किया हमने, और अभी जीरकपुर में एक है होटल फ्लेमिंगो, इसमें रुके हैं। ठीक ठाक सा है, डिसेंट सा प्लेस है, रूम का साइज़ भी अच्छा है, ठीक है, सारा कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ चुकी है, और खाना वाना खा के थोड़ी गुस्सा कम हो चुकी है, स्पेशली मेरे हस्बैंड जी की, क्योंकि उनकी गुस्सा कुछ ज़्यादा वाली रहती है। तो चलिए अब हमारे रेस्ट करने का टाइम हो गया है, और आपसे बाय बाय करते हैं, मिलते हैं अब आपसे कल। चलिए गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।